करेंगे। जनरली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई कौन से एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं, कौन सा एग्जाम देना बेस्ट है, और कौन सी एग्जाम देंगे तो इंडिया में ज़्यादा पैसा मिलेगा और कौन सी एग्जाम देंगे तो गल्फ में ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आज हम पहले तो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, मतलब इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं, सीसीफ है, बिगेस है, या तो नेस लेवल 1 है, नेस लेवल 2 है, एनडीटी लेवल 1, एनडीटी लेवल 2, एनडीटी लेवल 3, उसके बाद एपीआई के बहुत सारी सीरीज़ है, वो सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें इतना क्वेश्चन है, इसमें इतना पासिंग रेट है, और गल्फ कंट्रियों में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इतना रेट है, उसके बारे में हम लोग पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ सीस्वीप 3.1 के बारे में। पहला है सीस्वीप 3.1। देखो सीस्वीप 3.1 है, सीस्वीप 3.1 है, उसमें टोटल 5 पेपर है। कितने? टोटल 5 पेपर्स है। ठीक है, तो पहला जो पेपर है वो है जनरल पेपर। पहला जो पेपर है, यहाँ पे रेड मार्क से मैं करता हूँ, पहला है जनरल पेपर। ठीक है, तो इसमें जनरल पेपर है। जनरल जो है उसमें जनरली होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं जनरल में, 30 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक पेपर, या तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी पेपर बोलते हैं। ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चन है। टोटल 5 पेपर है भाई, याद रखो, इसमें 60 क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे जनरल के नीचे ही स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, जनरल का है टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद उसमें 70% पासिंग है। ठीक है, याद रखो। उसके बाद यहाँ पे है स्पेसिफिक पेपर, उसके भी है 60 क्वेश्चन है, 60। उसके बाद मैक्रो पेपर है, ठीक है, मैक्रो, उसके है 20 क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा मैक्रो के बाद प्लेट का प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, प्लेट का प्रैक्टिकल, तो प्लेट जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी 20 क्वेश्चन है, और पाइप का प्रैक्टिकल होता है, पाइप का, उसमें भी 20 क्वेश्चन है। तो ये सभी में टोटल गिना जाए तो 30, 60, 20, 20 और 20, 60 ये हो गया, 6, 112, 150 क्वेश्चन टोटल हो गया। टोटल 5 पेपर जो है उसमें 150 क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको 70% सभी में लाना है, कंपलसरी रूल से 70% लाना। ओके, ये फीस कितना है? तो TWI का फीस जो है वो 1,33,000 का प्रिपेटरी के साथ, TWI की प्रिपेटरी जो होती है उसके साथ का एग्जाम फीस है 1,33,000। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो 20-25 हजार या 30 हजार एक्स्ट्रा लेगा, तो वो प्लस में है। तो देखा जाए तो यहां पे टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 150 क्वेश्चन हो गए। कितने? टोटल 150 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपको 1,500 का पड़ेगा, मतलब एक आंसर दिया आपका 1,500 आपका वहां जाएगा। देखा जाए तो एवरेज लिया है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन याद रखो आपको 5 पेपर से पास होना पड़ेगा, जनरल, स्पेसिफिक, मैक्रो, प्लेट प्रैक्टिकल, पाइप प्रैक्टिकल। तो ये हो गया सीसीप का। अभी सीसीप की बात करें तो सीसीप का इंडिया में क्या वैल्यू है? तो भाई आजकल फुगावा इतना बढ़ गया है, इंडिया में बहुत सारे सीसीप लोग पड़े हुए हैं। आजकल लोग 20 से 25 हज़ार में भी काम करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो वो भी मिल गया तो मिल गया, अच्छी बात है, 20 से 25 हज़ार में जॉब मिल गया। तो अगर गल्फ कंट्री में जाओगे तो आपको मिनिमम स्टार्ट 45-50 हज़ार से स्टार्ट होता है। ये जो वीडियो मैं अभी करंटली बना रहा हूँ, उसके बाद अभी उसमें अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, साहब हमको तो यार 1,50,000 मिला। अरे भाई मिला, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेशर अगर है, आपने सीस्वीप किया, सीस्वीप 3.1 किया, तो बाकी एक्सपीरियंस के बाद करेंगे तो आपको अच्छा सा पैसा भी मिल सकता है। 2,50,000 में मैं भी खुद गया था आज से 5-6 साल पहले, तो मुझे भी उस टाइम पे 1.5 लाख मिला था। तो कहने का मतलब अभी का नहीं, एक्सपीरियंस की बात नहीं है। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप ये कुछ जुगाड़ करके कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग मेरे साथ भी थे, जब मैं सीस्वीप किया तब भी बहुत सारे मेरे लोग फ्रेशर थे, मेरे साथ में थे, तो वो लोग भी पास हो गए। तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा आपको और पास हो सकते हैं। हाँ, एक्चुअली इसको एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए ऑन पेपर पे, या 3 साल का भी चलेगा। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं बिगेस की। ठीक है, दूसरा है बिगेस।
बिगेस्ट जो है बिगेस्ट ग्रेड वन ग्रेड टू ऐसा होता है, सीस्विप में भी 3.0 3.1 3.2 सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, सीस्विप 3.0 है वो एकदम जूनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, सीस्विप 3.1 है वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, सीस्विप 3.2.2 है तो वो है सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। उसमें आपको रेडियोग्राफी टेस्ट जो है RTFI वगैरह सबका आपको एक्स्ट्रा में एग्जाम आएगा तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अभी रही बात यहाँ पे सीसीप 3.1 की, तो ठीक है वो तो गल्फ में भी काम मिलता है आपको, इंडिया में भी मिलता है और सब जगह पे मिलेगा। ठीक है, ओके, सीसीप 3.1 है वो यूरोपियन बेस BSEN स्टैंडर्ड के ऊपर एग्जाम लिया जाता है। सीसीप 3.2.2 जो है वो कतार और कुवैत में ज़्यादातर उसका अच्छा सा मार्केट वैल्यू है, बाकी सब जगह ठीक है ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अभी बिगेस्ट ग्रेड टू की बात करते हैं। बिगेस्ट ग्रेड टू जो है उसमें दो पेपर है, कितने हैं, दो पेपर है, एक थ्योरी पेपर थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। अभी देखो इसमें भी आपको 70% तो लाना ही है, आपके पास कोई रॉकेट नहीं है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 35 मार्क्स से पास है, 35 मार्क्स से पास है, कुछ कुछ लोग तो 100 में से 28 ला देते हैं तो उसको भी स्टार मिल जाता है तो वो भी पास हो जाते हैं, कुछ लोग 25 लाते, लेकिन भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 70% पास है, 80% पासिंग रेशियो होता है, आपको इतना तो लाना ही है, नया कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, थ्योरी में आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 50 नॉच क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितना, थ्योरी में 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आपका 50 क्वेश्चन होगा तो आपको वो पास करना है। ओके, बिगेस्ट का वैल्यू की बात करते हैं। इंडिया में अगर आप बिगेस्ट किया तो अच्छी अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी, मैं ऐसा बोलता हूँ। सीसीप 3.1 से अच्छा है बिगेस्ट ग्रेड टू। ओके, बिगेस्ट ग्रेड टू किसका कोर्स, दूसरा जो हमारा API है, NDT लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, ये सब लोगों का एक ही फंडा है वो, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, तो सीसीप 3.1 के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, हाँ कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप कर सकते हैं, बिगेस्ट में भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप कर सकते हैं जनरली बिगेस्ट। मेरे साथ में एक लड़का था सऊदी में, ठीक है, बिगेस्ट था, बीकॉम करने के बाद बिगेस्ट किया, बिगेस्ट करने के बाद वो पेट्रोफैक में जॉब कर रहा था, पेट्रोफैक में उसका अच्छा खासा 1,80,000 सैलरी आज से 5 साल पहले था उसका। तो ऐसा नहीं सोचने का यार मेरे पास बी है तो मैं कर सकता, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बीकॉम है तो भी आप कर सकते हैं, BBCA। ओके, अभी मेरे पास अभी लास्ट बैच में दो लड़के गए, एक कशफी करके था, राइट, कशफी था ना, अभी अंकलेश्वर चला गया, हाँ कशफी करके एक लड़का था, तो वो BSC था तो इसका मतलब उसने मुझे पूछा कि भाई हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली भाई ये तो केमिस्ट्री वाले का ही कोर्स है वो तो आप कर सकते हैं। बिगेस्ट जो है आपको अच्छा सा वैल्यू पैसे का कमा सकता है। ओके, बिगेस्ट का इंडिया में कितना पैसा है, तो इंडिया जो है इसमें जनरली आपको अप्रॉक्स, मैं ये सब चीज अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे मुझे तो 50,000 मिला, आप तो 40,000 ही बोल रहे। अगर इंडिया में आप काम करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30-35,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगा एज अ फ्रेशर, अगर आप बिगेस्ट कर लिया है तो अप्रॉक्स। ठीक है, ओके, गल्फ में कितना है, तो गल्फ में आपको 70,000 से स्टार्ट होगा, 70,000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे गल्फ में 40,000 से 50,000 के 40,000 to 50,000, ठीक है, उससे स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज फंडा यहाँ पे ऐसा है, बिगेस्ट में पांच, सीसीप में 5 पेपर है, 1, 2, 3, 4, 5 उसमें क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ओके, बिगेस्ट में इतने हैं। अभी हम बात करते हैं, ये सब चीज हो गया, सीसीप 3.1 बिगेस्ट की बात हो गया, अभी नेस की बात करते हैं, सबसे बेस्ट और फेवरेट। ठीक है, नेस में 3 लेवल है, नेस लेवल 1, नेस लेवल 2 और नेस लेवल 3। ठीक है, तो भाई आजकल ये सब बहुत कम लोग मिलते हैं नेस लेवल 3। ठीक है, जनरली 100 लोग देते हैं तो उसमें से 10% ही लोग पास कर सकते हैं नेस लेवल 3। नेस लेवल 1 का एग्जाम फीस 2 लाख, नेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेस ऑर्गेनाइजेशन अभी की करंट सिचुएशन में 2,15,000 से 2,25,000 का अप्रॉक्स वैल्यू ऐसा
अप एंड डाउन होता रहता है। हाँ, डॉलर अगर अप एंड डाउन होगा तो यहाँ पे आपका पैसा भी ज़्यादा प्लस और माइनस होता रहेगा, ठीक है। तो आपको नेस लेवल वन करना है तो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है नेस लेवल वन, एकदम बेस्ट है नेस लेवल टू, बिगेस्ट बेस्ट है सीसीएफ जो है ना। आजकल बहुत सारे लोग वेल्डिंग डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट होने के चक्कर में क्या होता है, इंटरेस्ट के चक्कर में वेल्डिंग डिपार्टमेंट में घुस रहे। भाई वेल्डिंग डिपार्टमेंट घुस तो जा रहे हैं लेकिन फिर पैसा कितना मिलेगा, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, बस घिसवाते रहो। ऐसा कोर्स करो कि हमको इंडिया में एक पैर हमारा इंडिया में भी रहे तो भी पैसा मिले, और एक पैर हमारा गल्फ कंट्री में रहे, एक पैर हमारा दूसरी कोई कंट्री में रहे तो भी हमको पैसा मिलता रहे। तो ऐसा कौन सा कोर्स है, तो भाई नेस कोर्स है, एकदम बेस्ट कोर्स। नेस करो, आपका लाइफ बनेगा, ठीक है। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों कम कर रहे हैं, लोग इसके लिए भाई नेस कम कर रहे हैं क्योंकि लग जा रही है वाट पैसे की, पैसा बहुत है भाई इसमें। नेस लेवल वन करने के लिए ही 2,25,000 आपका घुस जाएगा, ऊपर से आप कोई भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करेंगे, मतलब उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, स्टडी मटेरियल के वगैरह सब लेंगे तो वहाँ पे वो 50,000 वो और लेगा, तो आपकी लग जाएगी 2,75,000 या 2,40,000-2,80,000 ऐसा कुछ अप्रोक्स चला जाएगा। तो खाली नेस लेवल वन करने के लिए, तो फिर आप सोचो मार्केट में डिमांड इसका क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कम लोग जाते हैं इसके लिए डिमांड भी इसका ज़्यादा है। ओके, मैं आपको बोलता हूँ मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से नेस लेवल वन है, नंबर वन पे मैं डालेगा नेस लेवल को, नेस जो कोर्स है उसको नंबर वन डालेगा, बिगेस्ट को नंबर टू डालेगा, और थर्ड नंबर पे मैं एपीआई को डालेगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं नेस लेवल वन की। तो नेस लेवल वन है उसमें जनरली दो पेपर होते हैं प्रैक्टिकल सभी में, ठीक है, प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों में दो पेपर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये जो प्रैक्टिकल है उसमें 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, अप्रोक्स सॉरी 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और थियोरी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और ये वेरीज होता रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सर आपने तो बोला था कि इतना 150 लेकिन अभी तो 120 हो गया, हाँ मैं भी हो सकता है, वो वेरीज होता रहता है। ओके, तो इसका अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी बात करते हैं एपीआई की, तो एपीआई को मैं आपको डायरेक्ट साइट पे लेके जाता हूँ तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसमें क्वेश्चन कितने हैं, आंसर कितने हैं, वो सब चीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक api.org, कुछ नहीं करना है, सिंपल, रॉकेट नहीं है इसमें कोई, एकदम सिंपल है, api.org खोलना है। क्या करना है आपको, api.org करना है, ठीक है। api.org खोलेंगे तो इसमें सबसे नीचे सर्टिफिकेशन, इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन एंड प्रोग्राम ICP आएगा, तो ये ICP के ऊपर आपको क्लिक करना है मेरे भाई। ICP के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा शेड्यूल एंड फीस, ठीक है, शेड्यूल एंड फीस। तो मैं पहले शेड्यूल एंड फीस में जाता हूँ तो सब की हमको फीस पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये 2022 या 23 का जो भी है, यहाँ पे मैं अभी 23 का खोल रहा हूँ, ठीक है, अभी तो ख़त्म होने को आया है ये साल, थोड़ा अभी बाकी है। लेकिन देखो API 510 है, वो प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर का कोर्स है, प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर बहुत डिमांड है भाई आजकल, दूसरे या तीसरे नंबर में आता है, पहला में नेस को नंबर वन देगा, दूसरा में बिगेस्ट को या तो फिर API को देगा, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा यूं, इसके लिए मेरे भाई, क्योंकि जब देखो नया इंडस्ट्री है, नया इंडस्ट्री वो तो बनने ही वाला, अभी बहुत कम बन रहा है, राइट, बहुत कम बन रहा है ना नया इंडस्ट्री, कहाँ अभी आजकल नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो भी बहुत भरे पड़े, बहुत लेट आ रहा है, और आ भी रहा है तो वो कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ऐसा हो रहा है। लेकिन पुराना जो प्रोजेक्ट है उसका शटडाउन तो आने, पुराना अभी तक तो कितना पुराना प्रोजेक्ट बन चुका है, सभी का शटडाउन दो दो साल, कुछ लोग तो एक एक साल में लेते हैं, कुछ लोग तीन साल में लेते हैं, ठीक है। तो आप शटडाउन लेंगे तो भाई API का जरूरत आपको पड़ने ही वाला है, नेस का जरूरत पड़ने ही वाला है, बिगेस का जरूरत पड़ने ही वाला है, क्योंकि शटडाउन में कोरोजन होता है, कोरोजन किसका है, नेस का है। तो नेस आपको
जरूरत पड़ेगा। अगर आप शटडाउन का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो सीसीप वाला ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं है भाई। सीसीप वाला नया प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकता है, लेकिन कुछ शटडाउन के लिए शायद ही आपको जरूरत पड़ जाए, शायद कुछ एक दो छोटा मोटा वेल्डिंग रहेगा तो ही जरूरत पड़ जाए। नया प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा वेल्डिंग लगता है, तो उसी की वजह से वहां पे सीसीप वाले की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जो पुराना प्रोजेक्ट है उसमें शटडाउन की वजह से कोरोजन, इरोजन और इंस्पेक्शन, उसका प्रॉपर पॉइंट से डिसीजन देना, वो सब चीज एपीआई, इसकी वजह से आज मार्केट में जो फेमस हुआ है वो एपीआई है। ठीक है, एपीआई 510 है, यहां पे शेड्यूल दिया गया। अभी देखो यहां पे एक एग्जाम विंडो का लाइन है, ठीक है, आप हमने कुछ नहीं किया है, api.org खोला है, सर्टिफिकेशन एंड प्रोग्राम में गए हैं, यहां पे एग्जाम विंडो है, मतलब आपका एग्जाम 6 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में 2023 में होगा एग्जाम्पल के तौर पर। और कौन सा एग्जाम रहेगा, एपीआई 510 का। शेड्यूल कितना रहेगा, 6.5 आवर्स का। एप्लीकेशन डेडलाइन, मतलब आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो 4 नवंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 नवंबर पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये लाइन चला जाएगा, राइट। अभी देखो एपीआई 570, तो इसमें यहाँ पे एग्जाम विंडो है, ये है एग्जाम विंडो है, ये प्रोग्राम है, ये शेड्यूल है, और ये एप्लीकेशन डेडलाइन है। ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइन का मतलब ये हुआ तब तक आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। फॉर्म भरने का 8 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं लगता है, मैं आपको लिख के देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों के पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है तो एक अलग बात है, इसके लिए टाइम लगेगा। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसी है कि इसमें खाली फॉर्म भरने के पैसे लेते हैं, लेकिन भाई हमसे कांटेक्ट करो, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाली गाइड करेंगे, आप भर दो फॉर्म, ऐसा कोई नया रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल है। चलो अभी हम ये बात कर लिया शेड्यूल एंड फीस का, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे फीस में जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल का डिस्कस किया, फीस, तो एपीआई 510 हो, एपीआई 570 हो, एपीआई 653 हो, अगर आप तो एपीआई मेंबर तो होंगे ही नहीं, ठीक है, पहले तो शायद हो गए तो वेल एंड गुड, ठीक है, एपीआई मेंबर नहीं है, हम लोगों को तो नॉन मेंबर के हिसाब से ही फीस भरना है, याद रखो। हाँ, मेंबर है तो आपको कम फीस भरना पड़ेगा, लेकिन आप मेंबर नहीं है तो आपको $940, तो अगर $940 का मैं अप्रोक्सीमेटली करूँ तो 940 अभी 79 चल रहा है, राइट, यूएस डॉलर इंडिया के हिसाब से 79 × 940 तो कितना हो गया, 74,000, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 74,000 इंडियन रुपीस, अदरवाइज 940 USD आपको पैसा लगने वाला है। बेस्ट है एपीआई 510, बेस्ट है पाइपिंग प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर, एपीआई 570 है वो बेस्ट है, वो है हमारा अबव ग्राउंड, सॉरी पाइपिंग इंस्पेक्टर का कोर्स 653, अबव ग्राउंड प्रेशर टैंक का जो कोर्स है, स्टोरेज टैंक का, वो है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एपीआई 69 वो सब चीज़ तो है ही, मैं एक एक के बारे में पूरा डेप्थ में समझाएगा। एपीआई 936 रिफैक्टरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, वो भी मैं एकदम डेप्थ में समझाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक एक के ऊपर चलते हैं थोड़ा थोड़ा, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, जो ASNT लेवल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं 510 के बारे में। API 510 है आज मार्केट में, बहुत 3 साल का वैलिडेशन है। ठीक है, सीसीप का मैं भूल गया बोलना, सीसीप 3.1 5 साल वैलिडेशन है, 5 साल के बाद कुछ आपको 12,000 से 13,000 रुपया भरोगे और आप कुछ फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको अगेन 5 साल के लिए वैलिड कर देंगे, मतलब 10 साल हो जाएगा आपका। कितना साल हो जाएगा, अगेन 5 ईयर, मतलब 10 ईयर, 5 ईयर पहले आपका था, फिर एक्सपायर होने को आया, एक्सपायर होने के बाद फिर आपने 12,000 से 15,000 रुपया कुछ दिया और एक दो फॉर्म वगैरह सबमिट किया तो आपको अगेन 5 साल का वैलिडेशन मिल जाता है, तो वो मैं वैलिडेशन भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कैसे चेक करना है वो। ठीक है, तो 10 साल हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, अभी बिगेस में भी ऐसा ही है, API में है थोड़ा उल्टा है, 3 ईयर के लिए है। API 510 करो, 570, 653 जो भी आप करो, ओनली 3 ईयर के लिए है। ठीक है, तो ये फंडा आपको समझना है। ओके, यहाँ पे API 510 प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर, यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं आपको सर्च मारेगा तो API 510 प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे उसका स्टडी फॉर एग्जामिनेशन इफेक्टिव शीट, इफेक्टिव शीट मतलब इसमें कोर्स कंटेंट लिखा होगा, कोर्स कंटेंट लिखा होगा कि इतना इतना आपको पढ़ना है, इतना इतना नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ इसमें
इफेक्टिव शीट में लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एपीआई 510 और बॉडी नॉलेज है। अभी नीचे हम चलते हैं तो एडिशनल रिसोर्स है, व्हाट यू ब्रिंग इन एग्जाम, कितना एग्जाम पेपर वगैरह रहेगा, तो ये सब चीज। एपीआई 510 में टोटल 170 क्वेश्चन है, टोटल कितने हैं 170 क्वेश्चन है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल 170 क्वेश्चन है, ठीक है। 170 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन जो है वो आपका कैसा रहेगा, ओपन बुक यहाँ पे क्लियर लिखा है। देखो 140 से आपको स्कोर लाना है और इसमें 110 क्वेश्चन है वो क्लोज बुक है और 60 क्वेश्चन है वो ओपन बुक है। जनरली याद रखो, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये 110 क्वेश्चन है ना एकदम ईजी रहता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो 60 क्वेश्चन में रहता है, याद रखो, ठीक है। आपको पासिंग होने के लिए 140 क्वेश्चन पास होना चाहिए, इसमें भी 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। टोटल 170 क्वेश्चन में 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 30 क्वेश्चन, यस 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका आपको आंसर गलत है कि सही है वो एपीआई कमिटी डिसाइड करेगी। वो एक अलग एक मैटर है, उसका मैटर डिस्कस करना है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझाएगा वो। तो ये एपीआई 510 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं एपीआई 570 के बारे में। ये प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर हो गया, यहाँ पे लिखा है ना। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एपीआई 570 पाइपिंग इंस्पेक्टर, तो पाइपिंग इंस्पेक्टर है, इसमें भी सेम 170 क्वेश्चन है, ठीक है। कितना है 170 क्वेश्चन, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, यहां लिखा है ना 170 क्वेश्चन एपीआई 570 में भी। और आपको 45 जो मिनट्स इसमें दिया जाएगा, 3.1 आवर्स मतलब इसमें यहां पे लिखा हुआ है क्लोज बुक के लिए और ओपन बुक के लिए, यहां पे सब चीज लिखा है। और 170 क्वेश्चन में से आपका 140 पास होना जरूरी है, 110 आपको क्लोज बुक एग्जाम रहेगा, 110 क्वेश्चन क्लोज बुक रहेगा, बाकी का 60 क्वेश्चन है वो ओपन बुक रहेगा। तो ये सब चीज आपको समझना जरूरी है, ओके। इसके बाद ये एपीआई 570 समझ में आ गया, राइट। अभी मैं 5-6 ही लेगा इसमें एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं लेगा क्योंकि यहां पे आप सब ये लोग देख सकते हैं। 571 है कोरोजन एंड मटेरियल, आजकल फेमस मटेरियल है, फेमस लोग लेते हैं। देखो इसमें कितना फेमस है, 510 फेमस है, 570 फेमस है, 653। तो ये सब चीज हमको समझना जरूरी, 60 क्वेश्चन, नॉट 40, 60 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। 653 वैसा ही है, वो है स्टोरेज टैंक के लिए। अभी हम बात करते हैं 571 के बारे में, ये थोड़ा फेमस है। 571, 581, 580 एंड लास्ट में 936, इतने ही डिस्कस करेंगे, बाकी तो बहुत सारा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसमें आपको 110 क्वेश्चन आएंगे, देर आर 110 क्वेश्चन में से 100 का आपको सही आंसर देना पड़ेगा, एकदम सही आंसर देना पड़ेगा। वो 10 जो क्वेश्चन है वो चलेगा ऐसा वैसा, मतलब रॉन्ग होगा तो चलेगा। इसमें एक ही पेपर है, ओनली क्लोज बुक, ओपन बुक इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही 570 है, 580 है, 580 रिस्क बेस्ड इंस्पेक्टर है। और एपीआई 936 के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देते हैं और इसके बाद में हमने लेवल 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। एपीआई 930 रिफ्रैक्टरी पर्सनल, ठीक है, ये मोस्ट फेमस है। रिफ्रैक्टरी पर्सनल मतलब क्या है, एपीआई 510 मतलब प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर, ऐसा है कि जब आप कोई भी शटडाउन लेंगे तो प्रेशर वेसल का इंस्पेक्शन करना है तब आपको एपीआई 510 इंस्पेक्टर ही चाहिए। कुछ कुछ क्लाइंट कंपनी ऐसा बोलती है कि नहीं यही चाहिए एग्जाम, यही इंजीनियर चाहिए, एपीआई 510 अप्रूव्ड वाला ही इंस्पेक्टर चाहिए, मुझे दूसरा इंस्पेक्टर नहीं चाहिए, इसी की वजह से आज उसका डिमांड है। मेंटेनेंस करना है तो, क्योंकि जब प्रेशर वेसल में बॉम होता है, उसके बॉटम होता है, उसका शेल होता है, उसका थिकनेस वगैरह चेक करना, कहाँ पे इरोड कोरोड होगा वो सब चीज़, कहाँ पे फटिग लग रहा है ज़्यादा, वो एपीआई 510 इंस्पेक्टर जो होता है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें डैमेज वगैरह कहाँ होता है उसके बारे में भी डेप्थ इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत होता है इसी की वजह से, ठीक है। ऐसे ही एपीआई
एपीआई 510 जो हो गया, 570 पाइपिंग इंस्पेक्टर का हो गया, ठीक है, वो पाइपिंग इंस्पेक्शन का, पाइपलाइन का इंस्पेक्शन करना है तो 570 चाहिए, 653 स्टोरेज टैंक का जो हमको इंस्पेक्शन करना है तो 653 इंस्पेक्टर चाहिए, रिफ्रैक्टरी इंस्पेक्टर 536 रिफ्रैक्टरी इंस्पेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में भी आजकल बहुत उसका डिमांड है, पर डे 4000-5000 इंडिया में ही मिल रहा है, ठीक है, तो इसका डिमांड इसके लिए है क्योंकि रिफ्रैक्टरी इंस्पेक्टर बहुत डेप्थ में समझाया जाता है। रिफ्रैक्टरी इंस्पेक्टर मतलब ये जो हमारा वॉल है ना, वॉल घर पे हम कौन बनाता है, मिस्त्री बनाता है ना, जनरली एक ईंटे के ऊपर दूसरा, फिर सीमेंट डालना, फिर ईंटे डालना, फिर इसके ऊपर सीमेंट डालना, ऐसा करके छत बांधना, ये सब चीज एपीआई 936 जो है वो उसका एक अलग मीनिंग से मैं आपको समझाऊं। घर का दीवार है वो मिस्त्री बनाता है, लेकिन कोई भी एक प्रेशर वेसल है, हीट एक्सचेंजर है, या तो कोई चिमनी है, फ्लेयर लाइन है, वो सब चीज़ है, उसमें रिफ्रैक्टरी बनाना है तो वहाँ पे एपीआई 936 इंस्पेक्टर का ज़रूरत पड़ता है। ओके, एपीआई 936 इंस्पेक्टर जो है वो उसमें क्या करता क्या है, वो लोग, हम लोग ब्रिक्स, ये लोग ईंटा बोलते हैं ना, हम लोग जनरली इंडिया में लैंग्वेज में ईंटा बोलते हैं, वो लोग ब्रिक्स बोलते हैं, उसमें 936 में हम लोग सीमेंट बोलते हैं, वो लोग इंसुलेशन 15 LI, ऐसा करके अलग अलग मटेरियल आता है उसका, वो सब चीज़ें, नया कोई रॉकेट नहीं है, सिंपल। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, हम लोग ये करें क्यों भाई, पैसा कमाना है तो करो, बाकी नहीं कमाना है तो कोई भी नहीं करोगे तो भी आप शायद कमाओगे, नई चीज जमाओगे, या तो 30,000 में 10 साल के लिए घिसते ही रह जाओगे, ठीक है। जनरली मैं इसके लिए समझा रहा हूँ, 936 जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इसके लिए है क्योंकि पैसा इंडिया में भी है, गल्फ कंट्री में भी है, इंटरेस्ट के हिसाब से करना है तो इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मुझे तो पायलट बनना था, चलो मैं बन गया क्या, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ऐसा कोर्स करो कि जिसमें हमको पैसा मिले, ऐसा कोर्स करो जिसमें हमको सीधा घर पे पैसा दे सके, चल भाई लो 1,000-1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया, मतलब बाकी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है ही सी सी करके बैठ गए, फिर पता चलेगा उसका सैलरी कितना है भाई, 25,000 मिल रहा है, कि कौन से कंपनी में, TUV में, जो भी है, नाम नहीं लेना है मुझे, जो भी कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हैं तो वहाँ पे एज अ फ्रेशर अगर आपको इतना मिलेगा तो वैसा ही होगा। तो आपको ऐसा कोर्स करना चाहिए अगर पैसा कमाना है तो, हाँ इंटरेस्ट के हिसाब से करना है तो आपका इंटरेस्ट है तो पेंटिंग इंस्पेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग इंस्पेक्टर का करिए, रिफैक्टरी में इंटरेस्ट है तो रिफैक्टरी का करिए, ठीक है। ओके, अभी एपीआई 936 है, यहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखो इसमें भी 85 क्वेश्चन है टोटल, कितने, एक ही एग्जाम है क्लोज बुक एग्जाम, एक ही एग्जाम है क्लोज बुक एग्जाम और 85 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब चीज समझ लिया, अभी हम डिस्कस करते हैं एनडीटी लेवल 3 लेवल 2 के बारे में। टोटल 16 टाइप के एनडीटी मेथड है, टोटल 16 टाइप की एनडीटी मेथड है, उसमें भी अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन आपको एनडीटी लेवल 3 आप करेंगे तो गल्फ कंट्रियों में भी आपको 80,000 से सैलरी स्टार्ट होगा और इंडिया में भी आपको 50,000-60,000 से प्लस मिल ही जाएगा, 50,000 से तो प्लस मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए ये कर किया जाता है, जनरली आपको ASNT अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो एक बॉडी है, वो बॉडी आपको लेवल 3 करने के लिए दो एग्जाम, जनरली लेवल 3 के लिए 3 एग्जाम होता है, बेसिक एग्जाम, मेथड एग्जाम एंड स्पेसिफिक एग्जाम। तो जनरली ASNT जो है वो दो एग्जाम क्लियर करवाता है, बेसिक एग्जाम एंड मेथड एग्जाम, बाकी स्पेसिफिक एग्जाम जो भी कंपनी आप ज्वाइन करेंगे वहां पे वो लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, कोई भी एग्जाम दो आपको बेसिक एग्जाम क्लियर करना जरूर, कोई भी मेथड एग्जाम दो आप तो बेसिक एग्जाम देना आपको कंपलसरी है, ठीक है। ओके, अभी बेसिक में यहाँ पे मैं टच करता हूँ ना तो इसका कोर्स आ जाता है, बेसिक एग्जाम अगर आपको देना है तो उसका कोर्स कंटेंट है SNTTC 1A 2020 आपको करना है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ASNTCP 189 2020 है, वो मैं आधा समझाया, आधा मैं समझा देगा। उसके बाद ये रेडियोग्राफी जो है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, अल्ट्रासोनिक, एडी करंट, लिक्विड पेनेट्रेंट, मैग्नेटिक पार्टिकल, लीक टेस्ट, एकोस्टिक इमिशन, विजुअल एग्जामिनेशन और थर्मल इंफ्रारेड, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें से हमने करीबन अप्रोक्सीमेटली 90% कोर्स फिनिश कर दिया है इसका, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, ये हो गया, ये हमने ये भी 50% क्लियर कर दिया, ये 90% 80% क्लियर कर दिया है, अभी मटेरियल फैब्रिकेशन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये हमने 90% ये भी हमने फिनिश कर दिया। इसमें क्या क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल,
ओरिजिन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ओरिजिन ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी हमने पूरा डेप्थ में समझा दिया है, यूट्यूब में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड फेलियर मोड्स, फेलियर मोड्स तो मतलब फेलियर जब होता है तब उसका कैसा बिहेवियर होगा, जब टेंसाइल फेलियर होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, जब डक्टाइल फेलियर होता है तो कैसा होगा, जब ब्रिटल फेलियर होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके हिसाब से आयरन कार्बन डायग्राम, वो सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको पता चले, ठीक है, ओके। इसके बाद मटेरियल प्रोसेस, कास्टिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, ब्रोजिंग, सोल्डरिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट एंड एडेजिंग बॉन्डिंग, ये भी मोस्टली हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और डायमेंशन मेट्रोलॉजी, इतना ये जो बेसिक एग्जाम है ना उसमें इतना कोर्स कंटेंट है, ओके। कितना फीस है तो यहाँ पे फीस भी शायद लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन कितना रहेगा, पहले तो 135 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 135 बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। फीस के बारे में मैं एक अलग पीडीएफ है मैं आपको दिखाएगा। एकॉस्टिक इमिशन करना है तो भी यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे एक टच करेंगे ना तो सीधा कोर्स कंटेंट आ जाएगा, नहीं यहाँ कोई रॉकेट नहीं, एकदम अच्छा साइट बनाया इन लोगों ने, कुल्ले टिका के रखे अपने, ठीक है। याद रखो थर्मल इंफ्रारेड करना, जनरली हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में करते हैं तो उसका कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जिसको लेवल 3 करना है, इतना कोर्स कंटेंट है, इसमें एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, सब कर दिया है, यूट्यूब में आप जाएंगे सब ए टू जेड। और हमारा सेशन ऐसा नहीं होता है 10 मिनट आ गया गया करो, ऐसा नहीं है, हम लोग एकदम डेप्थ में, भले ही 2 घंटा हो जाए लेकिन एक एक चैप्टर मैंने एक एक दो दो घंटे तक पूरा डेप्थ में समझाया, इसी के हिसाब से मैंने चैप्टर को सेटअप किया है। आप देखोगे यूट्यूब में तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप खाली यूट्यूब में करके ही सीधा एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी रही बात, हम भी यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अभी रेडियोग्राफी टेस्ट की बात करते हैं। इसमें मैं 19 चैप्टर बनाए हैं, आपको भी शायद पता है वो 19 चैप्टर, यहाँ पे भी 19 चैप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैंने भी वहाँ पे यूट्यूब में 19 चैप्टर का सेटअप किया है, और वो सेटअप इसी की वजह से किया है कि मेरे भाई किसी को पैसा ना वेस्ट करना पड़े। स्किल इंडिया के तौर पर हम लोग काम करेंगे ना तो साला यहाँ से निकलेगा आदमी, ऐसा इंजीनियर निकलेगा ना कि वहाँ पे हिला देगा, गल्फ कंट्री में जाएगा तो पैसा लाएगा इंडिया के ही वजह, इंडिया में ही लेके आएगा, ठीक है। और बहुत सारे कंपनियां हैं उसमें पैसा लेती है, 35,000 भी कुछ लोग चार्ज करती है आपको स्टडी करवाने का, पैसा अगर वेस्ट नहीं करना है तो यूट्यूब से देखो खलास, ठीक है। ये 19 का 19 चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है, आप यूट्यूब में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें प्रिंसिपल थियोरी, इक्विपमेंट मटेरियल और इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग सोर्स, पार्टिक्यूलेट रेडिएशन सोर्स, ये सब चीज़ समझा दिया है। अभी हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट की, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट का हमारा रनिंग है तो ये मैं थोड़े ही टाइम में इसको फिनिश करेगा, इसमें भी हमने करीबन 8 से 9 चैप्टर सेट किए हैं, वो भी मैं पूरा समझा देगा तो एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल, कितना क्वेश्चन है यहाँ पे ना, 135 क्वेश्चन, रेडियोग्राफी में 135, लिक्विड पेनेट्रेंट में 90, ओके। ये लिक्विड पेनेट्रेंट थोड़ा टफ है, ठीक है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा है, 25 चैप्टर, देखो लिक्विड पेनेट्रन इसके लिए टॉप है। हम लोग सॉल्वेंट रिमूवेबल यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, विजिबल लिक्विड पेनेट्रन इंस्पेक्शन में क्लीनर यूज करते हैं, लेकिन जो अपने जो बड़े लोग हैं अमेरिकन लोग हैं उन लोगों ने, वो लोग क्या यूज करते हैं, वाटर बेस, वाटर जो बेस रहता है वैसा पेनेट्रन यूज करते हैं, और वो लोग जो है जनरली इसी की वजह से ऑयल बेस रहेगा, इमल्सिफिकेशन रहेगा वैसा पेनेट्रन यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, विजिबल यूज करते हैं, सॉल्वेंट रिमूवेबल यूज करते हैं, तो उसी की वजह से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जनरली ये सॉल्वेंट रिमूवेबल ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो लोग वाटर वॉशेबल इमल्सिफिकेशन वैसा टेक्निक यूज करते हैं, इसके लिए वो टेक्निक्स के अंदर पूरा डेप्थ में दिया गया, इसके लिए थोड़ा हमको पीटी हार्ड पड़ रहा है, बाकी नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। अपने कुल्ले ये अमेरिकन लोगों ने टिका के रखे हैं, इसमें भी हमारा भी कुछ ऐसा कुछ होगा, इंडिया में ऐसा कोई आएगा कि हमारा भी वेबसाइट बनाएगा, ऐसा कोई कोर्स निकालेगा। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट किसका है, अमेरिका का। नेस किसका है, अमेरिका का। ASNT किसका है, अमेरिका का। SNTTC1A किसका है, अमेरिका का। सब लोगों ने अपने कुल्ले वहां टिकाए हैं, क्यों, क्योंकि वो पहले से वो लोग डॉक्यूमेंट में काम किए, और हम लोग क्या करते
हैं, चलता है साहब, सब चलता है, कोई नहीं देखने वाला साहब। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो गया क्या, घंटा हो गया? अरे तू खाली खाली एक वाइट कॉन्ट्रास्ट मार के आ गया यार, तुमने कुछ ना तो योग घुमाया, योग नहीं घुमाया तो ना तो डीमैग्नेटाइजेशन किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही लेके आ गया। चलता है वर्ड की वजह से हमारा देश आज पीछे रह गया है, वरना गल्फ कंट्री हमसे 25 साल पीछे थे। कितना साल? 25 साल। लेकिन आज गल्फ कंट्री को देखो, वो लोग अमेरिका का ही कोड फॉलो करते करते हमसे 50 साल आगे निकल गया, आप सोचो। तो एक रियलिटी है, खली बली समझना है तो भी ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब चीज यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। किसी ने क्वेश्चन किया है पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 35 ऑफ बेसिक एग्जाम, भाई आपको 70% तो लाना ही है, ये बड़े लोग हैं ना, वो लोग 70% सेट किया। हमारे यहाँ पे है ना इंडिया में 28 मार्क्स से पास होते हैं, 100 में से 28 लाएंगे ना तो पास हो जाएंगे, लेकिन वो लोग 100 में से आपको 70% लाना पड़ेगा तब जाके हम लोग पास होंगे। एक रूल से हम लोगों को भी ये इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी तो जाके स्किल ऊपर आएगा, वरना कैसे आएगा। ठीक है, मुझे कोई कमेंट नहीं मारना है ये कोई पॉलिटिशियन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक फॉर्म दिखाया है, ये पहला पेज है, ठीक है, ये पहला पेज है, ये SNTTC 1A, ASNT, NDT लेवल 3 का एग्जाम जो लोग देने जाते हैं उसको ये फॉर्म भरना जरूरी है। ये फॉर्म 14 पेज का है, याद रखो। यहाँ पे ये पूरा डिटेल आता है, सिटी वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन कौन दिलवा रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल वगैरह, यहाँ पे कौन सा एग्जाम देना है बेसिक, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। अगर आपको ये एग्जाम लिक टेस्ट देना है तो लिक टेस्ट, लिक्विड पेनेट्रेंट देना है तो ये इसका फीस है $580 है, ये 575 मतलब अप्रोक्सीमेटली 42,000 अप्रोक्सीमेटली रखो, अप्रोक्सीमेटली 42,000 रखो। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, जो जो एग्जाम देना है वो टिक मार्क करना है, फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये फॉर्म का सिस्टम है, यहाँ पे आपको नाम वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वो सब चीज़ भरना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका पूरा डिटेल भरना है, और ये जो एरिया है बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ पे आपको कोई भी टेक्निक्स में कितना एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि समझो आप डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, या मैग्नेटिक पार्टिकल, या तो रेडियोग्राफी टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, या तो अल्ट्रासोनिक का एग्जाम दे रहे, तो आपको यहाँ पे वो टेक्निक्स कौन कौन से है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप डिप्लोमा है तो आपको 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप बी है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, अगर